हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ऑडियंस रिपोर्ट के बारे में। एनालिटिक्स में ऑडियंस रिपोर्ट क्या होती है, एक एक चीज़ों को हम लोगों ने देखा था और यहाँ पर मैंने एक दो चीज़ों को छोड़ दिया था, उनको मैं किसी वीडियो में भी बीच में कवर करूंगा। तो आप इस पूरी सीरीज को फॉलो करते रहिएगा। यही जो मैंने जो पॉइंट छोड़े हैं, इन्हीं पॉइंट्स में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड है, जिनके बारे में मैं वीडियोस के बीच में बात करूंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को इन डेप्थ देखिएगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू एंड, तभी आपको समझ में आएगा जो पर्पस है बेसिकली इस वीडियो सीरीज का। तो आ जाते हैं सीधे एक्विजिशन के ऊपर। पहले समझते हैं एक्विजिशन का बेसिक मतलब क्या होता है। एक्विजिशन रिपोर्ट्स में एक्विजिशन का मतलब है कि आपके जो विजिटर्स हैं, आपका जो ट्रैफिक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कौन किस जगह से वो आ रहा है। मतलब हो सकता है वो गूगल एड्स के थ्रू आ रहा हो सकता है वो सर्च इंजन के थ्रू आ रहा हो, ठीक है। तो किस चीज के थ्रू आ रहा है, ये आपको पता चलता है एक्विजिशन की रिपोर्ट्स के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं इसको। ओवरव्यू अभी मैं नहीं ओपन करूंगा यहाँ पर ओवरव्यू, क्योंकि ओवरव्यू के बारे में आप लोग जानते हैं कि ओवरव्यू क्या होता है। बेसिकली ये जो बाकी की रिपोर्ट्स हम लोग देखेंगे उसी की समरी है। तो सीधे यहाँ पर आ जाते हैं पहले ट्रैफिक में, और ट्रैफिक में हम लोग क्लिक करते हैं चैनल्स को। तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि जो ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पर आ रहा है 360digitalgyan.com के ऊपर, वो किन चैनल से आ रहा है। चैनल्स क्या है, चैनल्स को ग्रुप कर दिया गया है ऑर्गेनिक, डायरेक्ट, सोशल एंड रेफरल में। तो एक एक बार ये बता देता हूँ। ऑर्गेनिक तो आप लोग समझते ही, ऑर्गेनिक सर्च क्या होती है, जब हम कोई कीवर्ड टाइप करते हैं गूगल में और यहाँ से फिर हमारी वेबसाइट पर कोई यूजर आता है तो वो ऑर्गेनिक सर्च के अंदर काउंट होगा। डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट जो नॉर्मल हम लोग यहाँ पर 360 डिजिटल ज्ञान इस तरीके से जो आप यहाँ पर टाइप करते हो 360 डिजिटल ज्ञान, तो ये बेसिकली आपका डायरेक्ट यूजर का जो एक्विजिशन है वो है। देन सोशल इज थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, इनके थ्रू। एंड देन रेफरल इज जो आप लिंक्स अलग अलग जगह पर दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर पेस्ट करते हो, वहां पर क्लिक करके जो यूजर आपकी वेबसाइट तक आता है, दैट कम्स अंडर द रेफरल कैटेगरी। तो ये आपको समझ में आ गया, रेफरल कैटेगरी हो गई हमारी। और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आप सेगमेंट्स ऐड कर सकते हैं कि आपको किस चीज की डेटा यहाँ पर देखनी है। तो फिलहाल तो सारे यूजर्स की बात यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक से आपको 439 यूजर्स मिलते हैं, और इसका टाइम पीरियड क्या है, जून फर्स्ट से जुलाई नाइन्थ तक। फाइन, ये आपको सारी यहाँ पर मैट्रिसेस दिखाई दे रही, इतने ऑर्गेनिक सर्च से आपको यूजर्स मिलते हैं, नए यूजर्स इतने हैं, न्यू यूजर्स, रिटर्निंग यूजर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था राइट पिछले वाले वीडियो में। उसके बाद सेशंस आप देख रहे हैं, इतने सेशंस बन रहे हैं, बाउंस रेट, पेजेस पर सेशन, एवरेज सेशन जो है एक सेशन उसकी ड्यूरेशन कितनी है, गोल्स और कन्वर्जन पे आगे, क्योंकि हम लोग कभी सेट करेंगे कन्वर्जन्स को, समझेंगे गोल्स को सेट करेंगे, तब उन चीज़ों की बात होगी, तब आपको और क्लियर हो जाएगा इन सारे वीडियोस की जो बातें हैं। और उसके बाद चैनल्स के बाद आप यहाँ पर आ जाएं ट्री मैप में। तो ट्री मैप में भी आपको एक जो है बहुत ग्राफिकल वे में चीज़ें समझ में आती हैं कि ग्राफिकल वे में किस तरीके से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रहा है। बट इसके लिए आपको पहले यहाँ पर गूगल एड्स को और एनालिटिक्स के अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा। तो क्योंकि अभी हम लोग रिपोर्टिंग को देख रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग इसको लिंक नहीं करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग इसको लिंक करके भी देखेंगे प्रैक्टिकली किस तरीके से हम लिंक कर सकते हैं। तो ट्री मैप एक ग्राफिकल वे में एक आपको एक स्पॉट्स टाइप के, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको स्पॉट्स टाइप के दिख रहे हैं कि जो यूजर्स आ रहे हैं आपके पास, एक्विजिशन है, उनको अलग अलग कलर से इन्होंने यहाँ पर डिनोट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ऑर्गेनिक सर्च से सबसे ज्यादा है तो ये जो है ग्रीन कलर है हाई, और उसके बाद ये इंटेंसिटी लो होती जा रही है, तो इस तरह से कलर्स के शेड भी चेंज हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर वही चीजें हैं जो पहले अभी हम लोगों ने देखी थी, वो पूरी मैट्रिक्स यहाँ पर है, बट प्री मैप में अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाता है। फाइन, और इसके बाद आपको सोर्स और मीडियम आप देखना चाहें, चैनल्स और सोर्स और मीडियम्स में फर्क होता है। सोर्स और मीडियम थोड़ा और अंदर हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गूगल से और डायरेक्ट से, उसके बाद बिंग से जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है वो भी हमें मिल रहा है, यूट्यूब से हमें रेफरल ट्रैफिक मिल रहा है, यानी यूट्यूब पर कहीं हमारा लिंक वगैरह होगा और उस पर क्लिक करके यूजर हमारी वेबसाइट तक आता है तो वो ट्रैफिक हमें दिखा रहा है, बायदू से रेफरल ट्रैफिक हमें दिख रहा है, फेसबुक से रेफरल ट्रैफिक दिख रहा है। तो ये काफी डिटेल्ड चीजें हैं। अगर आप एक बार इसको और थोड़ा सा यहाँ पर जाके इसकी टाइमिंग चेंज करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो टाइम स्लॉट है उसको इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं उनमें भी चेंजेस दिखने को मिलेगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मई से लेकर जुलाई में आपको लगभग जो भी ट्रैफिक था उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको दिखा। तो इस तरीके से आप कंपेरिजन कर सकते हो और समझ सकते हैं क्या चीज़ें हो रही हैं।
और क्या चीजें नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पर आपको बाउंस रेट दिख रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ से बाउंस रेट आ रहा है हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक से, वो काफी ठीक है, मतलब ठीक है बाकियों के कंपैरिजन में तो अच्छा है। बट अगर आप देख रहे हैं फेसबुक से बाउंस रेट बहुत हाई है, बट मतलब अभी अगर हम एनालिसिस भी नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर केवल 5 ही यूजर आए हैं, तो 5 यूजर्स के बेसिस पे हम कोई बहुत बड़े डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर नंबर्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर बाउंस रेट भी कम होगा। अब याहू से ठीक ट्रैफिक आ रहा है और 2 लोग आए, 2 नए यूजर्स थे, सेशंस 2 बने और बाउंस रेट 50% का है, पेजेस पर सेशन 2.5, दैट्स ग्रेट, ठीक चल रहा है यहाँ पर। अब देख रहे हैं आप इसके और इसके बाद, यानी जो .org ये वाला जो डोमेन है, इसके बाद और इसके बाद कहीं से आपके पास पेजेस अच्छे बने हैं तो वो याहू से बने हुए हैं, ठीक है। पेज ड्यूरेशन बहुत अच्छी नहीं रही, 16 सेकेंड्स तो बहुत ही कम है, बट अगर हम लोग बात करें तो ये एक स्कोप हमें समझ में आता है, यानी यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। तो क्योंकि ये देखिए यहाँ पर बहुत कम डेटा, इसलिए बहुत अच्छी डिसीजन नहीं लिए जा सकते, बट एक साइकोलॉजी अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक थिंकिंग बता रहा हूँ आपको, किस तरीके से दिमाग लगाना है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर अगर आपको बाउंस रेट कम मिल रहा है और अच्छे पेजेस पर सेशन और अच्छा सेशन ड्यूरेशन मिल रहा है, और अभी तक आपका जो याहू था उसकी स्ट्रेटजी आपने नहीं बनाई थी, मतलब याहू से ऑर्गेनिक रीच की आपने स्टडी नहीं बनाई थी, तो आपको इसकी स्टडी बनानी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो रिपोर्ट्स आप देखते हैं, इस तरीके से आप थोड़ा सा इवेल्युएट करते हैं और वहां से फिर उस इवेल्युएशन करने के बाद आप कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं, वही मेन मकसद होता है आपके रिपोर्ट्स का। उसके बाद जैसे मैंने बताया, यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, या चाहें तो इसको नॉर्मली आप शेयर कर सकते हैं किसी भी दूसरे अकाउंट के साथ, फाइन। तो ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि आपको सोर्स मीडियम क्या है, और उसके बाद रेफरल्स पे आ जाते हैं। तो रेफरल्स का एक बिल्कुल अलग से सेक्शन है जहाँ से आपको पता चलता है कि रेफरेंस से आपको, यानी कि जो आप लिंक ड्रॉप करते हैं उससे आपको कितना ट्रैफिक मिल रहा है। तो यूट्यूब से बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक मिल रहा है, और यूट्यूब से आए हुए ट्रैफिक का अगर आप देखें तो यहाँ पर एवरेज, ओवरऑल जो एवरेज सेशन है उससे तो ये कम ही है, बट और कहाँ से, पिंटरेस्ट से हमको अच्छा जो है यहाँ पर एवरेज सेशन ड्यूरेशन मिल रहा है। तो पिंटरेस्ट की स्ट्रेटजी को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बट एक ही यूजर आया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या स्कोप हो सकता है। बट यूट्यूब की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर थोड़े से ज्यादा यूजर्स है इन पर्टिकुलर, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्विजिशन भी नहीं है, एक बार यहाँ पर आ जाते हैं वापस और पीछे चलते हैं, एक बार इसको शुरू करते हैं हम लोग जनवरी से, फाइन, एक बार जनवरी से हम लोग इसको मेजर करने की कोशिश करते हैं, कुछ थोड़ी ज्यादा डेटा हो जाएगी हमारे पास, तो देखते हैं किस तरीके की हमारी सोच बदलती है। अभी भी यहाँ पर एवरेज जो सेशन ड्यूरेशन है वो बहुत हाई नहीं हुआ, लेकिन पिंटरेस्ट यहाँ से गायब हो गया, क्योंकि पिंटरेस्ट से बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिला होगा पिछले वाले में। तो अभी यहाँ पर जो सेकेंड ट्रैफिक हमको मिल रहा है वो यूट्यूब से मिल रहा है, लेकिन यूट्यूब से सेशन ड्यूरेशन हमें अच्छी नहीं दिख रही है, बाउंस रेट भी बहुत हाई है, तो यूट्यूब पर जो हमारी स्ट्रेटजी है वो गड़बड़ है कुछ, मतलब हमें यहाँ पर यूजर्स तो दिख रहे हैं, यानी कि वो उस लिंक पे क्लिक तो कर रहे हैं, बट क्या है कहीं वो जो रिलेवेंसी का फैक्टर है वो गड़बड़ तो नहीं है। रिलेवेंसी देख, आपको भी याद होगी बहुत से वीडियोज में मैंने डिस्कस किया है कि जहां पर आप अपना लिंक ड्रॉप कर रहे हैं उसका कंटेंट और आपकी वेबसाइट का कंटेंट एक जैसा है कि नहीं, क्योंकि यूजर यहाँ पर आकर फेसबुक से 18 यूजर्स आते हैं और उसके बाद बाउंस रेट 100% हो गया, तो ये कुछ बात समझ में नहीं आई, यानी स्ट्रेटजी में कुछ गड़बड़ी है। यहाँ पर भी बाउंस रेट बहुत हाई है, यूट्यूब से भी बाउंस रेट बहुत हाई है, पेजेस पर सेशन भी कम है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं याहू से, जैसे पिछले वाली मैट्रिक्स में भी हमने देखा था याहू से हमें कुछ फायदा मिल सकता था, तो हम याहू पे काम कर सकते हैं एक बार, और फिर मैं ये बात करूंगा, क्योंकि डेटा बहुत कम है इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ से डिसीजन नहीं लिया जा सकता। इस तरीके की चीजें, इस तरीके का माइंडसेट आपको बनाना पड़ता है जब आप इस तरीके की आप रिपोर्ट्स को देखते हैं कि वहां से हम किन तरीके की चीजों को फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो ये एक्विजिशन में कुछ बेसिक चीजें हुई। जनरली आपको चैनल्स, रेफरल, सोर्स मीडियम्स और ट्री मैप्स, यहाँ से आपको बहुत कुछ डेटा मिल जाती है जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। उसके बाद आ जाते हैं गूगल एड्स पे, तो गूगल एड्स को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स के साथ, ताकि वहां की बहुत इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको एनालिटिक्स के थ्रू यहाँ पर मिल सके और आप उनको यहाँ से देख सके। तो मेजर जो चीजें मिल रही, क्योंकि अभी यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं, इसलिए आपको कुछ यहाँ पर देखने को खास नहीं मिलेगा। मैंने जैसे बताया आपको कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसका इंटीग्रेशन भी आपको दिखाऊंगा, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, तो ये इंटीग्रेट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ट्री मैप्स का ऑप्शन है, देन कीवर्ड्स को आप देख सकते हैं, कीवर्ड्स की एनालिसिस कर सकते हैं, किन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के थ्रू आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, सर्च क्वेरीज के थ्रू किस तरीके से सर्च क्वेरीज के थ्रू ट्रैफिक आता है,
किस टाइम में आ रहा है, फाइनल यूआरएल्स हमारे कौन से थे, ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी में वहां पर गूगल एड्स में चेंज कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं गाइज, ये सारी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है। आप एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड कर होके ही सारा काम नहीं कर सकते, आपको थोड़े से इंटीग्रेशन देखने होते हैं। जैसे आप केवल सर्च कंसोल पे आ जाए और कहें कि मैं सर्च कंसोल के बेसिस पर ही सारी अपनी जो हमारी ऑर्गेनिक रीच की जो मेरी स्ट्रेटजी है, या मैं कहूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है वो फॉर्मुलेट कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं। ये सारे क्रॉस प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। आपको अपने फेसबुक के जो इनसाइट्स है वहां से भी देखना है, गूगल एनालिटिक्स के इनसाइट से भी देखना है, और आपके अपनी वेबसाइट का जो लेआउट है उससे भी समझना है। इन जनरल जो आप थोड़ा बहुत ऑडिट करते हैं वेबसाइट को देखकर, उससे भी आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं। जो आपका कॉम्पिटिटर है उसकी वेबसाइट का भी ओवरव्यू लेना है, टेक्निकल भी लेना है, नॉर्मल जो वेबसाइट को आप देख के समझते हैं उससे भी लेना है। तो बहुत सारी चीजें होती है, सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। एनालिसिस कभी एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं होती है, उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म आप ले जाएं और फिर वहां से कुछ समझने की कोशिश करें। और एक गलती जो बहुत लोग करते हैं वो ये है कि आप नॉर्मली सीधे आप लोग करते क्या हो कि डेटा को देखना शुरू कर देते हो, और उसके बाद डेटा को देखने के बाद आप कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हो। बट गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारी चीजें क्यों दी हुई है। अगर आप एक्चुअली ये इंटीग्रेट नहीं है तो मैं इस पर नहीं बता रहा हूँ आपको। चलते हैं सीधे यहाँ पर ऑल ट्रैफिक में, और यहाँ पर चैनल्स में आते हैं। और चैनल्स में आने के बाद जो गलती आप लोग करते हो वो मैं अगर आपको पॉइंट आउट करूँ, तो यहाँ जनवरी से कुछ ट्रैफिक इंक्रीज आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जनवरी चेंज कर दिया था। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सेगमेंट्स दिया हुआ है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सेकेंडरी डायमेंशंस दी हुई है, ठीक है। तो एक बार एक यहाँ पर डायमेंशंस हम लोग लेते हैं यहाँ पर सेकेंडरी डायमेंशन को। तो कैंपेन्स तो है नहीं, तो हम लोग चलते हैं डिवाइस कैटेगरी पर, ठीक है। तो डिवाइस कैटेगरी जैसी भी एक डायमेंशन आ गई, अब आप देख रहे हो ऑर्गेनिक सर्च से डिवाइस कैटेगरी डेस्कटॉप पे आपको इतना मिल रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक सर्च से मोबाइल पे आपको इतना मिल रहा है। तो ये रियल एनालिसिस है, ठीक है। पहले क्या था, ये वाला पार्ट हमारे पास था नहीं, सेकेंडरी कैटेगरी जो थी वो हमने यहाँ पर लगा नहीं रखी थी, तो ये मैट्रिसेस हमको दिख नहीं रही थी। तो इस तरीके से आपको ये चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। केवल एक मैट्रिक जो आपका होम पेज खुलता है, बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, उसी के बेसिस पे वो एनालिसिस तो करते हैं बट उसी के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं ये क्यों दी हुई है, ताकि आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आए। यहाँ पर आप एक मैट्रिक्स के साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, यूजर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं आप सेशंस के साथ। ये देखिए, यूजर्स का कंपैरिजन करेंगे आप सेशंस के साथ, तो अब आपको दो यहाँ पर ग्राफ दिख जाएंगे। आप इसको मंथ में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फाइन जुलाई, क्योंकि जुलाई अभी पूरा नहीं हुआ इसलिए आपको ग्राफ नीचे दिख रहा है। मे बी ये ग्राफ थोड़ा सा इसी के अकॉर्डिंग आ जाए, तो अगर वीक पे आप जाएं तो वीक पे। तो ये चीजें आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप एनालिसिस को और अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। नॉर्मली आपको जो दिखता है आपको केवल वही एक मैट्रिसेस नहीं नोट करनी है, ठीक है। तो जैसा मैं बता रहा था, गूगल एड्स को हमने इंटीग्रेट नहीं किया, इसलिए हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता चल रही हैं। बट क्योंकि देखो, गूगल एड्स और एनालिटिक्स में, अब मैं बताऊँ आपको, आप ये बात कहोगे कि गूगल एड्स के जो मैट्रिसेस हैं वो तो हमको वहीं पर गूगल एड्स में ही समझ में आ जाती, फिर हम एनालिटिक्स में क्यों आए। तो गाइस यहाँ पर आप क्या करें, देखिए गूगल एनालिटिक्स में कैंपेन्स होते हैं और बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं। एक गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट आप बहुत सारे कैंपेन्स के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किया अपना 360 डिजिटल ज्ञान, उसके लिए जो हम कैंपेन्स जो है चला रहे हैं उनको हम यहाँ पर अच्छी तरीके से इंटीग्रेट करके समझ सकते हैं। तो एक अलाइनमेंट होता है एक ही प्लेटफॉर्म में आपको, क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि एनालिसिस का जितना काम है वो सारा काम एक ही प्लेटफॉर्म में हो जाए, फाइन। सो ये आपको समझ में आया, गूगल एड्स की आप मैट्रिसेस यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद सर्च कंसोल की आप मैट्रिसेस देख सकते हैं। तो सर्च कंसोल भी इंटीग्रेट नहीं है जैसा मैंने भी आपको बताया, तो यहाँ पर भी आपको कोई डेटा नहीं मिलेगी। इंटीग्रेशन वाली सारी चीजों को मैं केवल एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद सोशल में भी अगर आप देखें तो सोशल में आपको ओवरव्यू है, देन ओवरव्यू में नहीं जाएंगे, सीधे नेटवर्क रेफरल पर जाएं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आपका सोशल ट्रैफिक है ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सेशंस बने आपके सोशल रेफरेंस है, और जो सेशंस बनते हैं आपके नॉर्मल जो ऑल सेशंस बने उनका एक कंपैरिजन है ग्राफ का, देख रहे हैं आप, ये एक कंपैरिजन है ग्राफ का। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर अगर हम एक डेट लें, देखिए डिसीजन की हम बात करते हैं, यहाँ पर सोशल जो ट्रैफिक आया हमारे पास वो आया हमारे पास 4 का, फाइन। और उसी दिन ये तारीख है 27 फरवरी, ठीक है। 27 फरवरी को हम देखें तो 21 का हमको यहाँ पर सेशन मिलते हैं, जो ओवरऑल सेशंस मिलते हैं, फाइन। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि रेशियो में किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। मतलब किसी दिन हमको दिखता है कि सोशल ट्रैफिक ज्यादा हमको मिल रहा है
और उस दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सेशंस कम है, क्या हुआ, इस टाइप की एनालिसिस आप थोड़ी सी कर सकते हैं। देखिए एनालिटिक्स एक बहुत पावरफुल टूल है और बहुत स्ट्रांग टूल है। फाइन, इन डेप्थ आपको इसको समझने के लिए बहुत सी मैट्रिसेस के साथ आपको खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोशल नेटवर्क है, फाइन, सोशल नेटवर्क से सबसे ज्यादा किस सोशल नेटवर्क से सेशन बने हमारे पास, 79, ग्रेट। प्रेस व्यू भी इससे अच्छे खासे आते हैं, ड्यूरेशन बहुत अच्छी नहीं मिली बट ठीक है, यहाँ के हिसाब से तो ठीक है। पिंड इंटरेस्ट से 2 सेशन बने लेकिन सेशन ड्यूरेशन हमको अच्छी मिली पिंटरेस्ट से। ओके, सो सेकेंडरी डायमेंशन को भी पहले भी अप्लाई किया था, एक बार फिर से अप्लाई करते हैं इसको, डिवाइसेस पर ले जाते हैं, कौन सा डिवाइस से यूट्यूब अच्छा चल रहा है। तो यूट्यूब मोबाइल से समझ में आता है, मुझे भी समझ में आता है। डेस्कटॉप से अगर आप देख रहे हैं तो 14 डेस्कटॉप से आजकल यूट्यूब कोई नहीं यूज करता, एप्लीकेशंस इतनी एडवांस हो चुकी हैं, मतलब एप्लीकेशंस का वर्ड इतना इंक्रीज हो चुका है कि यूट्यूब लोग तो मोबाइल से ही चलाते हैं। तो हमें क्या डिसीजन लेना है, मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट बनाना है, ये बात समझ में आ गई। अगर हमारी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव नहीं है तो ये जो है ये और ये वाला जो पोटेंशियल हम मिस करने वाले हैं। और अगर हम एड्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो हमें मोबाइल रेस्पॉन्सिव एड्स पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये डिसीजंस जो है, ये सारे डिसीजंस होते हैं। अब लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इसको देखा और यहाँ पर आए और यूट्यूब को देखा, सेशंस 65 बन रहे हैं यूट्यूब पे, और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, कंटेंट डालना शुरू कर दिया, लिंक बिल्डिंग शुरू कर दी, बट और भी तो चीजें देखो, यहाँ पर और भी चीज देखो, और भी जो सेकेंडरी मैट्रिसेस आप चाहते हो उसको यूज करके यहाँ पर देख सकते हो। एक और हम लोग देखते हैं यहाँ पर, एक बार वापस हम लोग इसको मीडियम पे ले आते हैं, ठीक है। मीडियम देख रहे हो तो मीडियम सारा रेफरल है, रेफरल में हम लोग हैं तो मीडियम रेफरल ही दिखेगा। और उसके बाद डिवाइस को देखा हम लोगों ने, लैंडिंग पेज एक बार हम लोग देखते हैं। तो लैंडिंग पेज से आपको समझ में आएगा ये किस पेज पे लेके आता है। तो यहाँ पर एक बार क्लिक करके इसको देखते हैं हम लोग, तो ये वाला पेज हमारा ओपन हो रहा है, फाइन। सो ये आपको समझ में आता है कि यहाँ पर किस लैंडिंग पेज पर गए थे सेशंस जो बने थे, वो किस लैंडिंग पेज पे गए थे। तो ये जो स्लैश आपको दिखता है इससे आप समझ जाए कि होम जो था वो लैंडिंग पेज था। तो ये लैंडिंग पेजेस की और इन डेप्थ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रही, क्योंकि लैंडिंग पेज में देखें तो सबसे ज्यादा जो सेशंस हमारे बने वो बने हमारे बेसिकली होम पेज के ऊपर, फाइन। सो होम पेज के ऊपर आपको सबसे ज्यादा सेशंस मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग जाएं तो कुछ और कर सकते हैं हम लोग, चलो कोई जरूरत नहीं है अभी तो, क्योंकि मेरा जो पर्पस था आपको समझाने का वो समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से हम लोग ध्यान रखते हैं कि हमें और भी ज्यादा मैट्रिसेस के साथ यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेलना है। देन कन्वर्जन पर हम लोग आ जाएंगे, तो कन्वर्जन्स क्योंकि हम लोगों ने अभी गोल्स नहीं सेटअप किए इसलिए कन्वर्जन्स नहीं दिखेंगे। प्लगइन्स क्या होती है, जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर सोशल आइकन्स एम्बेड करते हो ना, वो प्लगइन्स है। तो उनके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अभी वो ज्यादा चीजें हम लोगों ने करी नहीं है इसलिए यहाँ पर कुछ आपको दिख नहीं रहा है, बट एक पॉइंट है ये, आप समझ जाए इसको। यूजर्स फ्लो आपको समझ में आ रहे होंगे, यूजर्स फ्लो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ ऊपर देखा था, हम लोगों ने ऑडियंस वाले सेक्शन में भी हम लोगों ने यहाँ पर यूजर फ्लो देखा था, ठीक है। और उसी तरीके से सोशल यूजर फ्लो पूरा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक्विजिशन में भी। तो यहाँ पर सोशल नेटवर्क देख रहे हैं आप, बेसिकली उसको चेंज कर दिया गया है, सोशल नेटवर्क यूट्यूब कर दिया गया, आप वहां से आप पूरा वही जो है फ्लो आपको दिख रहा है किस तरीके से फ्लो होता है। और उसके बाद कैंपेन्स का सेक्शन है, तो जैसे कि मैंने बताया अभी तक आपको कि आप यहाँ पर कॉस्ट एनालिसिस या ये सारी चीजें अभी नहीं कर सकते क्योंकि कैंपेन्स को हम लोगों ने यहाँ पर इम्बेड नहीं किया है। तो जो जिस तरीके से कोर्स आगे बढ़ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कितना पावरफुल टूल होता है गूगल एनालिटिक्स का, और हम लोग किस तरीके से इसको बहुत हल्के में लेकर गलती कर देते हैं। फिर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम मुझे नहीं मिलता है क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ वीडियोस अगर मैं बहुत इनडेप्थ चला जाऊंगा तो 30-30 मिनट के वीडियोस भी बन जाएंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। बट जनरली इन क्लासरूम डिस्कशंस में जो या जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हम लोग लेते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें तो हम लोगों के पास अच्छा खासा टाइम होता है, इवन जो है पूरा 15-20 दिन 25 दिन हम लोग एनालिटिक्स पे ही काम करते हैं, तो अच्छी तरीके से सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम वहाँ पर समझा पाते हैं, बट यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल होती है। फिर भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना इन डेप्थ आपको मैं समझा पाऊँ वो मैं यहाँ पर समझाऊँ, बट आपकी तरफ से मुझे एक रिस्पॉन्स चाहिए, वो ये कि आपको इन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। अगर वेबसाइट की प्रॉब्लम है तो गाइस सीधे मैंने बताया ना आपको, ब्लॉग स्पॉट पर जाओ, एक बनाओ और ये सारी चीज़ों को एक बार ट्राई करो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज मैं यहाँ से बता दूंगा आप भूल जाओगे, कोई वो नहीं। और अगर जिस भी वीडियो से रिलेटेड जो वीडियो आप देख रहे हैं उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसी के नीचे कमेंट करो, मैं जो है आंसर दूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक का बटन दबा दो, उससे काफी मोटिवेट होते हैं हम लोग और हमें हमारी एनर्जी जो है बिल्कुल डबल हो जाती है और अच्छी तरीके से वीडियो और अच्छा कंटेंट डिलीवर करने में हम लोग
लग जाते हैं। तो ये अगर प्लेलिस्ट आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लेलिस्ट को पूरा पूरा फॉलो करें, क्योंकि अभी तो बिल्कुल बिगिनिंग है प्लेलिस्ट की, बहुत कुछ कंटेंट अभी बाकी है। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर प्रोवाइडिंग दिस लव एंड सपोर्ट एंड वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ।